हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिक्स राइटिंग को और ये प्रैक्टिस सेशन होगा मैं यहाँ आप पर आपको सेट वाइज कराने वाला हूँ कई सारे प्रेसिक्स राइटिंग के रिगार्डिंग जो पैसेजेस होंगे और इसमें आपकी सीरीज़ को आप कंप्लीटली वॉच कर लेना इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जो पैसेजेस आ सकते हैं आपके एग्जाम में बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे और एंड तक आपको हर लेवल के पैसेज में करा दूंगा जिस तरह के भी पैसेज आते हैं आप हर तरह के पैसेज यहाँ पर कवर कर पाओगे ठीक है तो इस सीरीज़ को आप कंप्लीटली वॉच कर लेना है इसकी प्लेलिस्ट सेपरेटली मैंने बनाई हुई है उसको आप ज़रूर देख लेना राइट right, फ्रेंड्स तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स होते हैं गुड प्रिसिक्स के वो आप लोग समझ लीजिए उसके बेसिस पे ही आपको क्या करना होगा आप बेसिकली प्रेसिक्स राइटिंग करोगे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको केयरफुली रीड करना है पैसेज को ठीक है पैसेज को सबसे पहले रीड करोगे और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि वो किस बेसिस पर है उसकी थीम क्या हो सकती है यानी उसकी थीम क्या है पैसेज की थीम क्या है ये आप डिसाइड करोगे फिर जब आप पैस रीड कर लोगे थीम आपको समझ में आ जाएगी कि किस बारे में वो चीज़ दी गई है उसके बाद आपको अपनी ओन लैंग्वेज में उसको लिखना है ठीक है यानी कि जो आप लिखना शुरू करोगे प्रेसिक्स में तो उसको अपने शब्दों में लिखना है बिल्कुल आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके साथ ही साथ एक्यूरेसी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए मतलब कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या सेंटेंस या टेंस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अलावा हमें डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिख कर हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है ठीक है हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करेंगे और ईजी वोकेबलरी का यूज़ करना है जा जितना ज़्यादा आप ईजी रखोगे उतना बेटर रहेगा राइट तो कोशिश करना जितना हो उतना इजी करके उतना इजी वे में उतना इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है ठीक है उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कोई एज्यम्शन नहीं करने जो चीज़ आपको पैसेज में दी गई है उसी के अनुसार ही आपको क्या करना उसी चीज़ को बस प्रेसाइज करके शॉर्ट में लिख देना है बस कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है आपको ठीक है इसके अलावा आपको एवरीविएशन्स यूज़ नहीं करने हैं किसी भी तरह का को कोई एवरीविएशन नहीं यूज़ करेंगे जो भी फॉर्म्स दिए गए हैं उसी फॉर्म में एज इट इज़ लिख देना है एवरीविएशन यूज़ नहीं करना ठीक है स्टैटिस्टिकल डेटा अगर दिया हुआ है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा आपको ठीक है उसका उपयोग आपको करना होगा तो इतनी चीजें बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जब आप प्रि राइटिंग कर रहे हो ठीक है अब चलिए हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं पैसेज की ओर और डिस्कस करेंगे कैसे आपको प्रेसिक्स लिखना है तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर पैसेज मिलेगा ठीक है आ, और इसमें जो टोटल वर्ड्स हैं वो सेवेंटी फोर वर्ड्स है वर्ड काउंट आपको दिया होगा ठीक है आपको वन थर्ड में बेसिकली इसको कन्वर्ट करना होता है राइट तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रीड करना है पैसेज को उसको समझना है उसकी थीम डिसाइड करनी है राइट right? जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है लाइफ इज टू बी लिव्ड एंड नॉट वेस्टेड वी शुड मेजर आवर अचीवमेंट्स नॉट बाय वेल्थ वी हैव ए मस्ट बट बाय व्हाट वी हैव डन टू एड टू ह्यूमन हैप्पीनेस टू नो वेदर अवर लाइफ हैुल्ली लिव्ड फ्रूटफुली वी शुड आस आवर सेल्फ Have we received, relieved the sufferings of those who are in distress? Have we fought injustice and cruelty in life? If the answer is in affirmative, our lives have been lived. ठीक है अब जैसे ये यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया गया कि लाइफ जो है कैसे लिव की हमें जीनी चाहिए ना कि वेस्ट करनी चाहिए ठीक है हमें जो है अपनी अचीवमेंट्स को किसके द्वारा देखना चाहिए वेल्थ के द्वारा नहीं देखना चाहिए कितना हम पैसा कमा लेते हैं इससे मतलब नहीं है बल्कि हमने ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए कितना हेल्प किया कितना मदद किया उस पर डिपेंड करता है ठीक है टू नो वेदर आवर लाइफ हैव बिन लिव्ड फ्रूटफुली वी शुड आस्क अवर सेल्फ ठीक है आप हमें ये जानने के लिए कि हमारी लाइफ सच में जो है बेहतर हुई है कि नहीं किसी दूसरे के लिए हम बेहतर कर पाए कि नहीं कर पाए तो इसके लिए हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि हैव वी रिलीव द सफरिंग्स ऑफ दोज हु आर इन डिस्ट्रेस यानी जो लोग कष्ट में हैं क्या हम उनकी सफरिंग्स को उनकी कष्ट को कम करने कर पाए हैं या हमने उनकी मदद की है उनकी डिस्ट्रेस को कम करने में हैव वी फॉट इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी इन लाइफ क्या हम अपनी अपनी लाइफ में इनजस्टिस और क्रुएल्टी को बेसिकली लड़ लड़े हैं उसके लिए बेसिकली हमने दूसरों के लिए हेल्प की है अगर आंसर यस yes है यानी अफर्मेटिव में है तो हमने सच में अपनी लाइफ है। ठीक है तो यहाँ पर आप सिंपली समझोगे कि जो थीम होनी चाहिए इसकी वो लाइफ के ऊपर है तो हमने लाइफ को कैसे जिया ये कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए ठीक है ये इसका ओवरऑल जो बन रहा है ये इसका अगर आप देखोगे सार बन रहा है ठीक है तो अब इसको देखो आपको कैसे इसको शॉर्ट में लिखना है कैसे इसको प्रसिक्स करोगे राइट तो सबसे पहले टाइटल आपको लिखना होगा तो टाइटल इसका क्या हो सकता है टाइटल हो सकता है लाइफ इज टू फॉर लिविंग एंड नॉट फॉर वेस्टिंग ठीक है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है लाइफ जो है जो है जीने के लिए है वेस्ट करने के लिए नहीं है तो इसी तरह इसी को लेकर के आप यहाँ पर डायरेक्ट ना लिखते हुए आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हो कि लाइफ इज फॉर लिविंग एंड नॉट फॉर वेस्टिंग नी लाइफ जीने के लिए है ना कि वेस्ट करने के लिए ठीक है अब इसको शॉर्ट में प्रेसिक्स फॉर्म में आप कैसे लिखोगे जैसे कि यहाँ पर आपने देखा लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमने एक्चुअल में ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए कुछ किया वही चीज जो है वो काउंट की जाएगी हमारी अचीवमेंट्स में ठीक है तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लाइफ लिव्ड सक्सेसफुली इज द लाइफ विच हैज बीन स्पेंट इन रिलीविंग द सफरिंग्स ऑफ अदर्स एंड मेकिंग दम हैप्पी ठीक है यानी जो लाइफ है वो सक्सेस लाइफ जो लिव जो हम जीते हैं वो सक्सेसफुल तभी होगी जब हम दूसरों की सफरिंग्स को यानी दूसरों के कष्टों को कम करने में मदद कर सकेंगे और उनको हैप्पी कर सकेंगे उनको खुश कर सकेंगे ठीक है तो ट्वेंटी वर्ड्स में आपने यहाँ पर इसको संक्षिप्त कर दिया बाकी जो टाइटल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो वो अराउंड जो है यहाँ पर एट वर्ड्स में तो अराउंड ट्वेंटी एट ए वर्ड्स में जो है आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया टाइटल भी दे दिया और प्रेसेक्स भी कर लिया अराउंड वन थर्ड में हो गया ये ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना होता है जितनी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स में एक्सप्लेन की गई थी उसी को आपने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही कंसाइज करके लिखा है और वो सारी जो मीनिंग थी इस पूरे पैसेज की वो पूरा का पूरा मीनिंग यहाँ पे भी आ रहा है ठीक है तो यही चीज़ प्रेसिक्स में होती है आपको कुछ अलग से ऐड नहीं करना होता उसी को संक्षिप्त में लिख देना होता है राइट right? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पैसेज बढ़िया से समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर अगला सेट जो है सेट टू इसमें जो वर्ड्स हैं टोटल एटी एट वर्ड्स हैं अब पहले पढ़ लेते हैं कि ये किस बारे में क्या बताया जा रहा है इसमें बेसिकली राइट यहाँ पर शुरुआत की गई है लेटर्स आर इनवेलुबल मीन्स ऑफ कीपिंग आवर फ्रेंडशिप विद दोज आर अवे ठीक है यानी लेटर्स जो है एक इनवेलुबल मीन्स हैं हम सभी के लिए क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप को बेसिकली कीप करते हैं यानी कि हमारी फ्रेंडशिप को जुड़े रखते हैं बेसिकली जो हमसे दूर है ठीक है विदाउट द इंटरचेंज ऑफ लेटर्स वी आर एबसेंट फ्रेंड्स एंड रिलेशंस वुड बी प्रैक्टिकली डेड टू अस यानी कि अगर हम इंटरचेंज लेटर एंटरचेंज नहीं करते लेटर्स नहीं लिखते एक दूसरे को तो हमारी फ्रेंडशिप एबसेंट कहलाएगी और रिलेशंस जो होंगे वो भी प्रैक्टिकली डेड होंगे हमारे लिए ठीक है वी माइट लर्न फ्रॉम बुक्स द The surroundings in which they dwell or hear from travelers about the prosperity or failure. But it is through letters that we can converse with them as often as we want and obtain a clear picture of what they are doing or thinking and of everything in the distant inland in which they are lived. ठीक है तो दिल्ली तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया सिंपली कि लेटर्स के लेटर्स एक तरह का मीन्स होता है जिसके द्वारा हम दूसरों की बारे में जान सकते हैं उनकी सराउंडिंग्स वो कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं ट्रैवलर्स की प्रॉस्पेरिटी फेलियर्स के बारे में पता कर सकते हैं और लेटर्स के माध्यम से ही हम एक दूसरे से कन्वर्स कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं जिससे और जब हम करना चाहते हैं ठीक है जे और लेटर्स के थ्रू हमें एक तरह से क्लियर पिक्चर मिलती है कि जो हमारे फ्रेंड्स या जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में ठीक है तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेटर्स के बारे में ही सारी चीज़ें बताई गई हैं ठीक है लेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि लेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसको लेकर के यहाँ पर पूरी चीज़ बताई गई है राइट तो इसका टाइटल अगर आप देना चाहोगे तो सबसे बेस्ट टाइटल यही होगा कि आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स कह सकते हो ठीक है टाइटल्स आप दे सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स लेटर्स की इंपॉर्टेंस या वैल्यू ऑफ लेटर्स भी लिख सकते हो ठीक है तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर यहाँ पर टाइटल हो जाएगा अब आप प्रिसिक्स जब लिखोगे तो शॉर्ट में आपको लिखना है अब देखो आप यहाँ पर जैसे 88 एट वर्ड्स में ये दिया गया है आपको ठीक है इसको प्रेसिक्स करके मतलब शॉर्ट करके लिखोगे तो यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हो कि लेटर्स हेल्प अस कीप आवर फ्रेंडशिप ठीक है यानी लेटर्स जो है हमारी फ्रेंडशिप को ज़िंदा रखते हैं एक तरह से यानी हमें हमारी फ्रेंडशिप को जा, जारी रखते हैं दे आर द मीन्स बाय विच वी कन्वर्स विद आवर फ्रेंड्स ड्वेलिंग इन फार ऑफ लैंड्स एंड द गेट इन टच विद दैम ठीक है यानी कि ये एक मीन्स होते हैं जिसके द्वारा हम कन्वर्स करते हैं अपने फ्रेंड्स से जो कि हमसे बहुत दूर है ठीक है और वो हमारे टच में रहते हैं ठीक है तो यहाँ से आपने जो इतना पूरा लिखा हुआ था उसी चीज़ को बिल्कुल समराइज कर दिया बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया उसी चीज़ को यहाँ पर आपने बहुत ही कम शब्दों में लिख दिया ठीक है तो इसी को प्रेसिक्स बोलते हैं और इसी तरह से आपको शॉर्ट में लिखना होगा टाइटल भी देना होगा सारी चीजें देनी होगी राइट तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कैसे आपको बेस्ट वे में लिखना है प्रेसिक्स जब भी आएगा लिखने को इसी तरह से आप लिख सकते हो और इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ तो आप सारे वीडियोस को देखिएगा इस पूरी प्लेलिस्ट के ठीक है आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर प्रिस्टिक्स उसमें आ रहा है तो आप बेटर स्कोर करके आओगे डेफिनेटली राइट right? तो रेगुलरली आप यहाँ पर इसको वॉच करिए जब तक आपके एग्ज़ाम हैं इसके साथ ही साथ आप लेट अगर निबंध आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप लेटर्स को यहाँ पर तैयार कर सकते हो ऐसे इसको तैयार कर सकते हो और पे सिक्स की पूरी प्ले को देख लेना इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले सेक्शन से जाके आप एक्सेस कर सकते हो इस प्ले को भी राइट right? तो सारे ही इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से जाके आप इनको देखिए बढ़िया से राइट right, दोस्तों इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगी 60 प्लस टॉपिक्स जो है यहाँ से आप तैयार कर सकते हो विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सिक्सटी प्लस टॉपिक्स यहाँ से आप तैयार कर ही लोगे से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको एक बुक मिल जाएगी एडिशनल थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो सी सी जी एल या फिर सी एच एस एल के लिए राइट तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए इन बुक से अपने सभी टॉपिक्स को राइट फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इसके साथ ही साथ आप सजेशन भी दे सकते हो अगर कोई और टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस पर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो राइट और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो राइट right? और अनकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो राइट right फ्रेंड्स तो अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग